चेयरमैन नगर परिषद की ओर से लिए जा रहे कचरा संग्रहण उपयोग शुल्क का ब्यावर व्यापार संघ ने विरोध किया है। इस बाबत संघ पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने बुधवार को नगर परिषद प्रशासन को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में संघ पदाधिकारियों ने बताया कि गत दो दिनों से परिषद प्रशासन की ओर से बाजार में व्यापारियों से कचरा संग्रहण उपयोग शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि कतई ही न्याय संगत नहीं है। व्यापारियों ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक मंदी के कारण व्यापार मंदा चल रहा है। आमजन को रोजी रोटी के साथ साथ अन्य खर्चों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कचरा संग्रहण उपयोग शुल्क वसूली से आमजन पर दोहरा भार पड़ेगा। व्यापारियों ने वर्तमान स्थितियों को देखते हुए उक्त शुल्क वसूली के आदेशों को निरस्त करने की मांग की है। उधर बुधवार को परिषद प्रशासन की ओर से बाजार से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का भी व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि वर्तमान में त्योहार का सीजन है और लंबे समय बाद व्यापार की आज चकी है। ऐसी स्थिति में आए दिन प्रशासन की ओर से की जाने वाली कार्यवाही से व्यापारियों व ग्राहकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस हेतु व्यापारियों ने चांगेट पर उपखंड अधिकारी राहुल जैन, आईपीएस सुमित मेहरा तथा थाना अधिकारी संजय शर्मा से मुलाकात कर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए उक्त समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। व्यापारियों ने बताया कि इस हेतु सभी दुकानदार प्रशासन का सहयोग करने को तैयार है। दौरान व्यापार संघ के संजय घिया, कमल आचार्य, विजय लोंगानी, दिनेश तावलानी, गजराज आचार्य, राजेश बुतरा, किशोर साहू, भगवान दास, मनीष रावत, अकरम तथा दीपक भट्ट सहित बड़ी संख्या में संघ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। व्यापार संघ के तत्वावधान में जावर के सभी व्यापारियों ने चांगेट पर एसडीएम साहब, डिप्टी साहब और सीए साहब से मुलाकात करी और अभी जो चार समस्याएं, पांच समस्याएं जो चल रही है उनके बारे में विगत रूप से चर्चा की गई और सभी चर्चाओं पर सकारात्मक रूप से लोकल प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों से समझाइश करी और अभी फिर 4:30 बजे एक बार मीटिंग है। उसके पूर्व जो 4-5 समस्याएं थी, जैसे कि अतिक्रमण के बारे में बातचीत हुई। अतिक्रमण के बारे में बातचीत होकर ये निश्चय लिया गया कि जो दुकान के बाहर व्हाइट लाइन है वहां तक दुकानदार अपना सामान रख सकता है या वहां तक उसकी लाइन के अंदर वैधता है, लाइन के अंदर उसकी वैधता है और सामने जो डिवाइडर है वहां पर एक पार्किंग के लिए गाड़ियां खड़ी है, उसके दोनों तरफ लाइनिंग रहेगी, उस दोनों लाइनिंग के बीच में आवागमन का साधन रहेगा। सेकंड, 200 रुपए शुल्क की बात हुई। साहब ने बताया कि साहब इस 200 रुपए के शुल्क को हम लोग किस जगह काम में लेंगे। सनसेट रेस्टोरेंट एंड पूल, जी हाँ, ब्यावर शहर के पास एक भव्य सनसेट रेस्टोरेंट एंड पूल, जहां आप पाएंगे खाने की बेहतरीन वैरायटियों के साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करने की उत्तम जगह, जहां पर आप अपने परिवार के साथ मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और स्विमिंग के साथ पूल पार्टी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। सनसेट रेस्टोरेंट एंड पूल में आप पाएंगे मल्टी क्यूजिन फूड, सनसेट स्पेशल थाली, स्पेशल चटपटा चाइनीज, तंदूर स्टार्टर, राजस्थानी स्पेशल थाली, कुल्हड़ की स्पेशल चाय व कॉफी और साथ ही पार्सल की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही चले आए सनसेट रेस्टोरेंट एंड पूल, अजमेर रोड, टोल टैक्स के पास, पीपलाज, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9784059699, 8003141441।